हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो आज हम एक और ट्रेंडिंग रील का ट्यूटोरियल लेकर आप लोगों के पास आ चुके हैं। तो सब पहले तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए हमें एक ऐप की ज़रूरत होगी जिसका नाम है कैपकट। उसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और उसे यूज़ करने के लिए हमें एक वीपीएन की भी ज़रूरत होगी, तो प्ले स्टोर से आप लोग कोई सा भी एक वीपीएन डाउनलोड कर लेना। तो मैंने जो है टर्बो वीपीएन डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं जो इसे पहले से कनेक्ट किया हुआ है। तो आप लोग को कोई सा भी एक वीपीएन डाउनलोड करके इसे कनेक्ट कर लेना है, और उसके बाद ही कैपकट को यूज़ करना है, उसके बाद ही यूज़ होगा वो, ठीक है? क्योंकि ये इंडिया में बैन है। तो मैंने पहले से कनेक्ट कर रखा है वीपीएन को। सबसे पहले तो आप लोग क्या करना है, तो पहले आप लोगों को कैपकट नहीं ओपन करना है। पहले आप लोग क्या करना है, किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, ठीक है? तो मैं क्रोम ब्राउज़र को किसी भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद सर्च करना है आप लोगों को इस पे आगे ब्लर कैपकट टेम्पलेट, ठीक है? तो आप लोगों को यहाँ पर सर्च करना है ब्लर कैपकट टेम्पलेट, ठीक है? तो जैसे आप लोग ये सर्च करेंगे, तो उसके बाद आप लोग इसे सर्च करेंगे तो फर्स्ट में एक वेबसाइट आ जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। तो इस वेबसाइट पर आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है? तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो बहुत सारी टेम्पलेट आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है? नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है? जैसे मैं नीचे से स्क्रॉल करूँगा, देखिए यहाँ पर बहुत सारी टेम्पलेट जो है आपके सामने आ जाएंगी। तो ये जो थर्ड नंबर वाली है, सेकंड ये वाली है, ठीक है? ये आप लोग देख सकते हैं ऊपर जो है, बहुत सारी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाली जो है हमें यूज़ करनी है, ठीक है? ये जो थर्ड नंबर वाली है, तो इसे हमें यूज़ करना है। यूज़ टेम्पलेट ऑन कैपकट पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप लोग क्या करना है, देखिए थोड़ा वेट करना है। तो जैसे ही इस तरह की ओपन हो जाएगा इंटरफेस, ठीक है? तो नीचे आप लोगों को यूज टेम्पलेट इन कैपकट पे क्लिक कर देना है, ठीक है? तो जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो आपके कैपकट में ओपन हो जाएगी टेम्पलेट, ठीक है? तो मैं इस पे क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ कैपकट में, ठीक है? तो ये देखिए ये जो है ओपन हो चुकी है कैपकट के अंदर, ठीक है? तो वीपीएन आपको ज़रूर से कनेक्ट कर लेना है, ठीक है, पहले याद करके। तो ये देखिए हमारी जो है ये ओपन हो चुकी है टेम्पलेट। तो उसके बाद आप लोग क्या करना है, नीचे आप लोगों को यूज टेम्पलेट लिखा रहा है, तो यूज टेम्पलेट पे आप लोग क्या करना है, क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग यूज टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप लोगों के सामने आ जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस, अभी देखिए। तो उसके बाद आप लोग क्या करना है, कोई सी भी अपनी एक वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है? तो मैं एक वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई सी भी इनमें से, ठीक है? तो मैं जो है ये वाली वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ और प्रीव्यू पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है? और उसके बाद जो है हमारी, देखिए ये जो इफेक्ट इस तरह लग करके आ जाएगा हमारा, ये देखिए अभी अप्लाई हो रहा है, अप्लाई स्मूथ स्लो मोशन, देखिए ये हो रहा है, ठीक है? ठीक है, तो ये 100 तक होगा और उसके बाद हमारी जो ये इफेक्ट जो है टेम्पलेट जो है लग जाएगा, ठीक है? तो 100 तक आप लोगों को इसको वेट करना होगा, 100 तक होने तक, ठीक है? तो ये हो चुका है, उसके बाद आप लोग क्या करना है, इसे एक्सपोर्ट करना है, ठीक है? ये देखिए कुछ इस तरह से होगा ये, ठीक है? तो उसके बाद ऊपर एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क पे क्लिक करना है, ठीक है? और ये जो है आप लोगों को डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, एक्सपोर्ट हो जाएगा, सॉरी। तो जैसे ही एक्सपोर्ट होगा उसके बाद आप लोग क्या करना है, बैक आ जाना है, ठीक है? बैक आने के बाद एक और बार बैक आना है और आप लोगों को क्लिक करना है, बैक आ जाना है। तो अभी ये देखिए टेम्पलेट में हुआ है, हम लोग ओपन कैपकट में ही है, ठीक है? तो एडिट वाला ऑप्शन है यहाँ पर, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है? और उसके बाद हमें क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और उसके बाद जो अभी हम लोगों ने वीडियो एक्सपोर्ट किया है ये वाली, तो इसे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ऐड कर लेना है इसे, ठीक है? तो ये जो वीडियो ऐड हो चुकी है, उसके बाद हमें क्या करना है, कुछ इस तरह ऊपर की तरफ देखिए ऑप्शन है यहाँ पर ये वाला, तो इस पर क्लिक करना है, ठीक है? तो उसके बाद हमें क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले तो हमें इसकी ऑडियो म्यूट करनी है, ठीक है? तो यहाँ पर ऑडियो म्यूट वाला ऑप्शन है, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, ठीक है? तो इस वीडियो की जो ऑडियो म्यूट हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद इसमें अपनी ऑडियो ऐड करनी है, ऐड ऑडियो पे क्लिक करना है। एक्सट्रैक्टेड वाला ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये रहा, इस पर क्लिक करना है। एक रील का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है उस रील को, ठीक है? और यहाँ पर इसे सिलेक्ट करना है, इम्पोर्ट साउंड ओनली पर क्लिक करना है और साउंड को इम्पोर्ट कर लेना है, ठीक है? और उसके बाद आप लोग क्या करना है अभी बताता हूँ। उसके बाद जो आप लोग क्या करना है, ये देखिए बीट के हिसाब से ही फिट नहीं आएगा सॉन्ग के, ठीक है? तो आप लोग क्या करना है, वीडियो पर क्लिक करना है, यहाँ पर स्पीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, नॉर्मल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और स्पीड को कम करके 0.7x तक कर देना है, ठीक है? 0.7x तक कम कर देना है, स्लो कर देना है, ठीक है? और उसके बाद मेक इट स्मूथर है, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, बेटर क्वालिटी पर, यहाँ पर पिच पे क्लिक करके इसे डन कर देना है, ठीक है? तो ये स्मूथ स्लो मोशन हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है? तो अभी आप लोगों को थोड़ा वेट करना है 100 होने तक। तो
तो जैसे ही ये पूरा हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को वीडियो बनकर बिल्कुल बीट के हिसाब से साउंड लगेगा और सब कुछ वैसा ही होगा जैसे फर्स्ट में आप लोगों ने वीडियो में देखा था। तो उसके बाद आपकी वीडियो जो है रील जो है बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप लोग कुछ नहीं करना है, सिंपली इसे एक्सपोर्ट करना है और ट्रेंडिंग ऑडियो में जा करके इसे ऐड करके आप लोग को रील डाल देनी है। ठीक है, तो ये देखिए हो चुकी है, मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, ये देखिए, तो अभी देखिए तो ये बिल्कुल बीट के हिसाब से मैच हो गया है। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग क्या करना है, ऊपर एक्सपोर्ट वाले उसमें क्लिक करना है और इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।